नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं सिद्धू मूसेवाला, जिनका बीते दिन निधन हो गया है। उनको लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उनके करोड़ों के पेशे और संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा होता नजर आ रहा है उनके निधन के बाद। दरअसल कनाडाई गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के शिकार बने पंजाबी रैप गायक के दुनिया भर में लाखों प्रशंसक है। वह मूल रूप से मूसा गाँव के रहने वाले थे, इसलिए अपने नाम के आगे मूसेवाला लिखा करते थे। वह इसी कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप से मानसा से विधानसभा चुनाव से लड़े थे। मूसेवाला अपने चुनाव प्रचार के दौरान अपने गीत गाते और दोहे सुनाते थे। वहीं पर गायक से राजनेता बने मूसेवाला के नामांकन हलफनामे के अनुसार उनके पास 7.87 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। वह खुली जीप में सवारी करना पसंद करते थे। उन पर 4 आपराधिक मामले थे, जिनमें 2 अश्लील दृश्यों के लिए थे। मूसेवाला के लिए विवाद नए आए नहीं थे। पंथक निकायों ने उन पर भीख सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। अपने ट्रैक जट्टी जियो ने मोड़ दी बंदूक वर्गी में 18वीं शताब्दी के सिख योद्धा भाई माई भागो के नाम का कथित रूप से दुरुपयोग करने उन्होंने हलचल पैदा कर दी थी। बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली थी। उसी के साथ उनकी संपत्ति पर यह बड़ा खुलासा होना बहुत ही महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। उनके निधन के बाद यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला को लेकर उनकी हत्या को लेकर यहाँ पर कई बड़े खुलासे होते नजर आ रहे हैं। अब गैंगस्टर का नाम सामने आया है और इसी बीच उनकी संपत्ति पर खुलासा हो रहा है। उनके पास फॉर्च्यूनर से लेकर थार तक जैसी गाड़ियां भी थी और उनके पास 7.87 करोड़ की संपत्ति भी थी। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।